बिरयानी तो मस्त लग रहा है, माइंड ब्लोइंग। आपका क्या इरादा है बताओ, कैसा लगा? हनी इज द बेस्ट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं जिम जाके तो आ चुका हूँ, बट अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ और आज का स्पेशल ब्रेकफास्ट है हमारा एग डोसा, अंडे का डोसा है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं अंडे का डोसा कैसे बना रहा हूँ। किसी को इतना अच्छा पति मिल सकता है जो नाश्ता बनाए, खाना बनाए, सब कुछ करके दे अपनी पत्नी के लिए, वो भी इतना अच्छा। देखो पतला डोसा राउंड राउंड बन रहा है, इतना मस्त बना है कि नहीं? बोलो बोलो। हाँ। फाइनली डोसा इज रेडी। दोस्तों भी टाइम हो गया 9:15 और आज का दिन ये है कि एसी मैकेनिक वाला आएगा कुछ देर में और उसके बाद वो मेरे सारे तीनों एसी जो है वो रिपेयर करेगा। ये देखो सब लोग तो आ चुके हैं, काम जोरों से चल रहा है। बाप रे, यहाँ से देखो कितना नीचे है, बंदा बड़ा रिस्क से काम कर रहा है लेकिन इसने सेफ्टी रोप डाला है तो इसे गिरेगा नहीं। ये हॉल का एसी है। बाप रे, इनको देख के तो मुझे घबराहट हो रही है, इतना नीचे ही। रूम का एसी, ये एसी ऐसे आवाज कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। ये किचन का एसी, ये काम पे चल रहा है और इसके बाद हॉल का एसी है, ये जो वहां बाहर काम चल रहा है। यहाँ देखेंगे तो यह है रूम का एसी, इसको तो निकाल ही दिया। हाँ जा, और ये सफाई कर रही है एसी की, पानी उसमें सब बह के डायरेक्ट बकेट में आता है। तो ये हॉल का एसी है, इसको है ना गैस चढ़ा दिया इसमें, अभी जस्ट टेस्ट करें कि कूलिंग हो रहा है कि नहीं हॉल में। ये सारे खिड़कियाँ और वो दरवाज़ा सब बंद कर दिया है, अब बस देखते हैं कि कितना कूल हो रहा है और कितनी देर में हो रहा है। तो हॉल का एसी रिपेयर हो चुका है, टेस्टिंग भी हो चुका है और कूलिंग भी अच्छा खासा दे रहा है, तो वन कम्प्लीट। तो जैसे आप देख सकते हैं कि भी यहाँ पर सो रही है, एसी का हवा डायरेक्ट यहाँ मार रही है तो इसको अच्छा लग रहा है और यहाँ सो रही है। ये देखो मेरे रूम का ये एसी भी जो है वो फिटिंग हो गया है और आई थिंक अभी काम करेगा। अच्छा कूलिंग दे तो अच्छी बात है। अरे हमारे नवाब जी नींद से उठ के आ गए, देख रहे हैं कि कौन कौन क्या काम कर रहा है, चल क्या रहे हैं। क्या डूडल, गुड मॉर्निंग। अब ये तीसरा एसी रिपेयर चल रहा है जो हमारे किचन का एसी है। यहाँ पर एसी चल रहा है और ये देखो डूडल और कीवी, इन दोनों के मजे हैं एसी में इधर ही बैठे हुए। एसी चाहिए दोनों को। हाँ जी भी जूटो, एसी चाहिए, एसी अच्छा लगता है। ये लोग चेक कर रहे हैं कि गैस लीक हो रहा है कि नहीं, तो सर्फ पानी डाल के चेक कर रहे हैं। और कीवी का प्लेस डूडल ने ले लिया और डूडल का प्लेस कीवी ने ले लिया। तो हमारे दो एसी रिपेयर हो चुके हैं, एक हॉल का और हमारे इस रूम का एसी रिपेयर हो चुका है, बाकी किचन का बाकी है, अभी वो भी रिपेयर हो रहे हैं। आई बिलीव हाफ एन आवर में काम हो जाएगा। और अभी टाइम हो चुका है 1:05। ये रिपेयर हो गया, गैस रिफिलिंग हो गया। ओके, तो बस अब फाइनली टेस्ट कर रहे हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। चलो फाइनली ये एसी भी काम कर रहा है, वेरी गुड। ओ भाई साहब ध्यान से, हमारा तीसरा एसी भी जो है वो रिपेयर हो गया है, वेल गुड। आज के तीनों एसी रिपेयर। डूडल को प्यारी चाहिए, डूडल प्यारी चाहिए। ये नींद से उठा है अभी फिर से। तो मैंने जैसे सोचा था कि 1:30 काम हो जाएगा लेकिन 1:30 अभी हुआ भी नहीं है। अभी देखो टाइम हुआ है
140। तो टाइम इतना क्रॉस हो चुका है, आगे देखते हैं और कितना टाइम लगता है। और ये महाराज जी खेलने के मूड में आ गए। टूडल कैच ये डिशुम 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 पकड़ उसको, गुड बॉय। तो मेरे घर के तीनों एसी रिपेयर हो चुके हैं और एवरीथिंग इज वर्किंग कंडीशन, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठंडी हवा भी दे रही है और अच्छा है, चलो वेल एंड गुड। और अच्छा खासा खर्चा भी आएगा तीनों एसी पे, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन एसी जो चाहिए था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्मी का सीज़न भी आने वाला है। और ये कि अभी तो भूख लग रहा है मेरे को बहुत ज़ोर से, अभी टाइम हो गया है 2:10, तो अब मैं खाना खा लेता हूँ और उसके बाद मुझे 4:00 जुम्बा क्लास भी है, तो मेरे को क्लास जाना पड़ेगा। अभी मैं तैयार होकर निकल चुका हूँ जुम्बा क्लास के लिए, अभी जा रहा हूँ मैं क्लास सिखाने के लिए या क्लास लेने के लिए। तो मेरा आज का जुम्बा क्लास भी हो गया और मैं निकल पड़ा हूँ डिनर लेने के लिए। सोच रहा हूँ कि ना चिकन बिरयानी खा लेते हैं, चिकन बिरयानी लेने निकलो। गाइस मैं कार चलाते चलाते मेरी नज़र गई पेट्रोल फ्यूल के ऊपर कितना है करके, और अभी मुझे पता चल रहा है कि देखो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ कितना बचा हुआ है, 2 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट एंड पे आ चुका है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता, निशा हमेशा कार, मेरे पास जब कार आती है हाथ में तो हमेशा ई पे ही रहता है और मुझे ही हमेशा कार का टैंक फुल कराना पड़ता है, ये पता नहीं क्यों ऐसे होता है। निशा को पता नहीं क्या है, वो कार का पेट्रोल डराने से डर लगता है, बोलते तू ही डलवा गया, मतलब खुद भी तो जा सकती है, पता नहीं उसको डर लगता है, किस बात का डर मुझे समझ में नहीं आ सकता। तो हमेशा कार का फ्यूल टैंक जो है मैं ही फिल करता हूँ। और ये हम आ गए हैं पेट्रोल पम्प, ये पेट्रोल रिफिल हो रहा है हमारे कार का, और ये अपना कार का पेट्रोल फुल हो गया है। यस डन, और ये हुई ना बात, टैंक फुल करा के मजा आ जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और अरे जहां से लेना था वो तो दुकान ही बंद है, अब कैसे, आई थिंक कोई दूसरा दुकान जाना होगा। अब तो अभी ये रेस्टोरेंट में है, अभी यहाँ पे मैं लूँगा बिरयानी। फाइनली ये चिकन बिरयानी ले लिया है और अभी हम चलते हैं। और ये देखिए अपना मस्त बिरयानी, चिकन बिरयानी मस्त गर्मा गर्म बिरयानी, तो मस्त लग रहा है, माइंड ब्लोइंग। आपका क्या इरादा है बताओ, कैसा लगा? हनी इज द बेस्ट। तो दोस्तों आज का दिन समाप्त हो गया और इसी के साथ हमें भी बहुत नींद आ रही है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। नए दिन नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं।